दोस्तों दुनिया भर के सारे ही गेमर्स का एक सपना होता है गॉड ऑफ वॉर गेम को खेलना। यहाँ तक कि पीसी गेमर्स भी सपना देखते हैं कि वो गॉड ऑफ वॉर गेम को एक बार कंप्लीट कर पाए या फिर खेल पाए, क्योंकि जो गॉड ऑफ वॉर गेम है वो एक प्लेस्टेशन ओनली गेम है, यानी कि सिर्फ आप उसको प्लेस्टेशन में खेल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि आज मैं फाइनली आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ऑफिशियल एंड ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर गेम को अपने फोन में चला सकते हैं, यानी कि जब आपका मन करे आप ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर गेम को अपने फोन में खेल पाएंगे। स्क्रीन में आप लोग गेम प्ले देख सकते हैं, बिल्कुल हाई क्वालिटी में हम लोग का गेम चल रहा है। तो जितने भी गेमर्स का सपना था गॉड ऑफ वॉर गेम को खेलना या फिर उसको कंप्लीट करना, तो आज की वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अगर आप क्रेटोस यानी गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइज सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के लिए हम लोग जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पेंटानेट। ये कमाल का फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने फेवरेट पीसी गेम्स को खेल सकते हैं। तो इस पे मैंने पहले ही एक फुल वीडियो डाल रखी है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग इसका अकाउंट बना सकते हैं। एक बार आपने अकाउंट बना लिया उसके बाद आप लोग एनवीडिया जीफोर्स नाउ ऐप के जरिए कोई भी पीसी गेम अपने फ़ोन में खेल सकते हैं। तो अगर आपको ना पता हो कि गॉड ऑफ वॉर गेम हाल ही में पीसी के लिए लॉन्च हुआ है, और जैसे ही वो पीसी के लिए लॉन्च हुआ तुरंत एनवीडिया ने उसको अपने क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म में ला दिया, यानी कि जीफोर्स नाउ। तो अब जितने भी यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो भी गेमर्स हैं, यूजर्स हैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अब अपने मोबाइल फोन में गॉड ऑफ वॉर का ओरिजिनल वर्जन खेल सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोग गेम प्ले भी देख सकते हैं, आगे मैं आपको और अच्छे से गेम प्ले दिखाऊंगा फुल क्वालिटी में। और आज की इस वीडियो के लिए मैं पेंटानेट प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही उस वीडियो में बता दिया कि पेंटानेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% स्मूथ और लगभग 2K वाला एक्सपीरियंस देता है, यानी कि बहुत क्लियर चलता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं डिस्कॉर्ड में, उन्होंने बहुत बार मुझे गेम प्ले का स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि कितना क्लियरली पीसी गेम आपके फ़ोन में चलता है इस पेंटानेट प्लेटफॉर्म की वजह से। तो गाइस चलिए मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि एक बार आप लोग वाली वीडियो देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपको बस 5 मिनट के अंदर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक बार आप अकाउंट बना लेंगे कुछ इस टाइप का आपका, जो जीफोर्स नाउ के अंदर आप लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने काफ़ी बार इसमें गॉड ऑफ वॉर गेम खेला है, ये पीसी का ओरिजिनल वर्जन है। उसके अलावा बहुत सारे आपको गेम्स मिलते हैं, फ्री गेम्स भी मिलते हैं, जैसे यहाँ पे डेमो में आपको घोस्ट रनर और इसके नीचे रिफ्ट ब्रेकर, इसके अलावा एपेक्स लेजेंड्स, रॉकेट लीग, फोर्टनाइट, बहुत सारे लगभग जितने भी पीसी गेम्स हैं लगभग आपको सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पेंटानेट है वो तो बिल्कुल फ्री है, यानी कि जो पीसी गेम्स खेलने के लिए जो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप लोग अपने फ़ोन में पीसी गेम चलाएंगे वो सबके लिए फ्री है। लेकिन गॉड ऑफ वॉर को आपको ओन करना पड़ेगा। गॉड ऑफ वॉर एक पेड गेम है जो स्टीम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जैसे आप गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पे आप लोगों से गॉड ऑफ वॉर का जो स्टीम का लॉगिन या आईडी पासवर्ड है वो पूछेगा, तब क्यों आप लोग उस गेम को स्टार्ट करके खेल पाएंगे। तो मेरे पास पहले से ये है, मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर ने मुझे अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए दिया है। तो मैं आपको आप इसका गेम प्ले दिखाने वाला हूँ फुल क्वालिटी में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैं अपना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम जो बचपन से फेवरेट है वो मैं अब इसमें खेल सकता हूँ। गॉड ऑफ वॉर तो मैंने ट्राई किया ही है PSP पे, PS2 पे, लेकिन ये ओरिजिनल PC वाला वर्जन की बात ही अलग है। तो चलिए फटाफट मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ, लेट्स गो, और मैं आपको गेम प्ले यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइज सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया आपको वाली वीडियो फॉलो करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिए। उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट बना पाएंगे और जीफोर्स नाउ एप्लीकेशन के अंदर आप लोग एंटर कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के VPN से कनेक्ट किया है। अब ये VPN ज़रूरी है सिर्फ गेम को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। उससे पहले मैं आपको सेटिंग्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको सर्विस लोकेशन ऑस्ट्रेलिया West 1 रखनी है, बहुत स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, यकीन मानिए मेरा। उसके बाद आपको स्ट्रीम क्वालिटी पे जाना है। यहाँ पे आप लोग रेजोल्यूशन कुछ भी रख सकते हैं अपने इंटरनेट स्पीड के हिसाब से, फ्रेम रेट भी कुछ भी रख सकते हैं, और मैक्स बिट रेट जो है वो आपको उतना MBPS रखना है जितना आपकी करंट स्पीड है, उससे 5-10 MBPS कम। जैसे मेरी करंट स्पीड है 50 MBPS की, तो मैं 40 रखूँगा। आप 25 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, ये आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर है। और अगर आपका गेम लैग कर रहा है तो आप लोग FPS कम कर सकते हैं, और अगर आपको रेजोल्यूशन और अच्छा चाहिए तो आप लोग 1920x1080 कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बेस्ट है। अब मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गॉड ऑफ वॉर पे क्लिक करना है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप लोग का गेम स्टार्ट होने लगेगा आपको VPN डिस्कनेक्ट कर देना है।
और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो गेम है वो लोडिंग कर रहा है, मतलब स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आपको अपना जो VPN है वो डिसकनेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे इस VPN को मैं यूज़ कर रहा था, लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है। अब वापस से आपको आना है, वापस से आपको गॉड ऑफ वॉर स्टार्ट करना है। लेकिन इस बार क्या होगा, आपका जो गेम है वो बिना किसी VPN के स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी, जब आपका गेम एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको मिनिमाइज करना है, उसके बाद आपको वापस से अपना गेम स्टार्ट करना है बिना VPN के। अब आपको इतना तगड़ा गेम प्ले मिलेगा, इतना तगड़ा स्मूथनेस और इतना अच्छा FPS मिलेगा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने ये चीज़ फॉलो किया है, उनको काफ़ी स्मूथ गेम प्ले मिलता है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है। जो मैंने 30 FPS रखा था वैसा ही कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो गेम प्ले दिखा रहा हूँ इसमें मैंने 1080 वाला रेजोल्यूशन रखा है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर मेरा जो ग्राफिक्स दिख रहा है गॉड ऑफ वॉर का मेरे फ़ोन के अंदर ही। तो वैसे कुछ इसी तरीके से आप लोग अपने फ़ोन में गॉड ऑफ वॉर गेम को एंजॉय कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से चलता है, आप लोग पूरा गेम कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने, मतलब जिसका अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे लेवल्स को पार किया है और वो बोल रहा है कि जब समर वेकेशन स्टार्ट होगा यानी एग्ज़ाम्स के बाद वो अपने इस गॉड ऑफ वॉर गेम को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और बिल्कुल थॉर के हैमर जैसे ये मेरे पास वापस आ रहा है। तो गाइस कमाल का गेम है और जितने लोगों का सपना था गॉड ऑफ वॉर गेम को खेलना वो लोग अब खेल सकते हैं अपने फ़ोन में बिल्कुल फ्री में। तो गाइस टेक केयर, मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बनता है। अगर आप क्रेटोस या गॉड ऑफ वॉर गेम के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको ये गेम कितना पसंद है, और ये भी कमेंट कीजिए कि आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार गॉड ऑफ वॉर गेम को देखा था या फिर उसका नाम सुना था और उसके बाद से आप इस गेम के फ़ैन बन गए हैं। तो गाइस टेक केयर, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो टेक केयर, जय हिंद जय भारत।